अंदर ले जाते हैं जी। एक चिड़िया का बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया है और यहीं पे जो है ना बिल्लियाँ भी फिर रही हैं, अभी समझ नहीं आ रहा इसको क्या करें। जो इसको कहीं जो है ना उठा के रखना पड़ेगा। चलो जी मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ, इसको अंदर ले जाते हैं। क्या करें, कैसे उठाएं इसको। ये जी एक डब्बा है, इसमें रखते हैं इसको, इस डब्बे में रखते हैं फिलहाल। फिलहाल इस डब्बे में रखते हैं और बाजरा डालते हैं। खा लो, पानी भी रख दिया मैंने इसके लिए, लेकिन अभी तक कुछ खा पी नहीं रहा है। हाँ जी, जबरदस्त किस्म की जो है ना इस वक्त बारिश हो रही है, अभी सहरी का टाइम है, बस काफ़ी अच्छी जो है ना बारिश हो रही है, एकदम से जो है ना बारिश शुरू हो गई, एकदम से बारिश शुरू हो गई है, ज़बरदस्त किस्म, गरज चमक भी हो रही है और तेज़ बारिश एकदम से शुरू हो गई है। काफ़ी तकरीबन एक हफ्ते तक जो है ना काफ़ी मौसम गर्म रहा, आज एकदम से जो है ना वो बादल आए हैं और अभी अच्छी तेज़ बारिश जो है ना शुरू हो गई है। कलर तो ज़रा देखें कैसा ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आ रहा है। इस कलर के जो है ना मुझे स्लाइसेस बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। वाह जी वाह वाह, एक जो है ना कहीं जल ना गया हो, एक ऊपर पड़ा है स्लाइस, इसको जो है ना देखना पड़ेगा इस वाले को। नहीं परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा निकल गया। वाह वाह वाह, इधर की चाय तैयार हो रही है और यहाँ ये स्लाइसेस जो है ना वो किए जा रहे हैं। इसमें मैं नान खाते खाते एक ही दफ़ा बस नान खाते खाते जो है ना बस दिल घबरा जाता है, जब ये स्लाइसेस पे आ जाते हैं या पराठा बन जाता है तो ये ज़रा लाइट होती हैं, हैवी नहीं होता। की सेहत में जो है कीमा पराठा, वाह वाह वाह, आज बड़ा ही मज़ा आने वाला है कीमा पराठा है। साथ में जो है ना कुछ स्लाइसेस भी जो है ना मैंने सेक लिए हैं, तल लिए हैं और जो है ना कीमा पराठा खाना है आज की सहरी में। यानी कि बस अभी थोड़ी देर में जो है ना पराठे तैयार होने वाले हैं। सहरी के वक्त बड़ी अच्छी बारिश हुई है, इसकी वजह से जो है ना अच्छे खासे जो है ना मौसम वो बहुत प्यारा हो गया और अभी भी सूर्य निकलने का टाइम है, सुबह होने का टाइम है, तुलू होने का टाइम है, लेकिन जो है ना हर तरफ बादल है, उसकी वजह से जो है ना सूरज जो तुलू होने का मंजर है वो नहीं नज़र आ रहा, हल्की हल्की रोशनी फैल रही है लेकिन जो है ना सही रोशनी नहीं है। मैं ज़रा यहाँ लाइटें शर्टें जला रहा हूँ, हाँ जी बारिश के बाद का मंज़र, ये बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, बहुत ही प्यारी बारिश हुई है। उस ये देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में, वाह 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 क्या खूबसूरत मंज़र है। मैं भी बस ये मंज़र जो है ना सिर्फ रमज़ान में ही देख पाता हूँ, इसके अलावा तो मैं बहुत ही देर से उठता हूँ। खैर जी, और आज मेरा प्रोग्राम है कि जी यहाँ जाते हैं जी, बाल शाल कटवाते हैं, जितने रह गए हैं उनको ज़रा थोड़ा सा सेट करवाने, सेट सेट कराने, ईद आने वाली है, बहुत देर हो जाती है असल में उठने में, तो इसकी वजह से जो है ना रोज़ जो है ना ये काम रह जाता है। मेरा तो प्रोग्राम तो कम अज़ कम एक हफ़्ता पहले जो है ना ये बाल कटवा लूँगा,
लेकिन अभी तक खैर नहीं हो सका, तो आज कोशिश करते हैं कि जी बाल कटवाने, क्योंकि इसके बाद फिर जो है ना टाइम नहीं मिलेगा। देखेंगे बारिश के बाद का जो है ना सुबह का मंजर। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, इस तरफ का ज़्यादा बादल है, इस तरफ से काफ़ी ज़्यादा बादल है, नज़र भी आ रहा होगा आपको। क्या खूबसूरत माशाल्लाह से मंजर है चिड़ियों की चहचहाने की। ये जो सूरज इधर से निकलता है ये मशरक की साइड है, लेकिन घरों की वजह से नजर ही नहीं आता। और ये देखेंगे बाजार का, अभी से जो है बाजार खुलना शुरू हो गया। ये है जी वो पौधा फूल जो कि जिसका मैंने 2-3 दिन पहले दिखाया, जिस कभी निकली हुई थी, अभी माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पर्पल कलर का जो है ना वो फूल निकल आया। वाह जी वाह माशाल्लाह, ये दूसरा भी था, वो भी दरगाह को गया, 2 थे पता नहीं, शायद बच्चों ने एक नोच लिया। खैर एक तो निकल आया, गीज़र भी बस मैंने लगा दिया, ऊपर आया था तो मैंने सोचा कि जी गीज़र पर लगा दूँ, क्योंकि जब ना बाल कटवा के आऊँगा तो फिर नहाना भी होगा, तो गर्म पानी के बगैर मुझसे तो नहीं नहाया जाता। वैसे भी अभी ठंड हो गई है, अब दोबारा से ठंड हो गई है, तो गर्म पानी तो होना चाहिए नहाने के लिए। ये मेरे हाथ पे बैठ गया, इधर जाओ, इधर इधर उठो, बस ये भी उड़ना लग गया, कल ये बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा था, अभी जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा उड़ना आ गया, इसको बस बाहर छोड़ते हैं ताकि ये निकल जाए, अभी ये बाहर ही देख रहा है। ओहो इधर किस गिर गया है पेड़ के नीचे, ये देखिए ये उड़ के यहाँ बैठ गया है। छोटी अपिया, इसका नाम है छोटी अपिया, आपका नाम छोटी अपिया है, और बड़ी अपिया का क्या नाम है? तोते का निकालने का टाइम आ गया, इसको निकालते हैं तोते को। बहुत ही बेचैन हो रहा है ये, चलो जी निकल आओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर डे। अच्छा जी मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही सो के उठा, और क्या कहते हैं आज ही मेरा जाने का प्रोग्राम था कटिंग करवाने के लिए, लेकिन बस सुस्ती आ रही है, देर भी हुई है, तो बस अभी मेरा मूड नहीं बन रहा, और ऊपर आ गया था, मैंने कहा जी नहाते हैं कपड़े शपड़े बदलते हैं, लेकिन इधर आके देखा हूँ यहाँ पर ये तार मैंने लगाई थी कपड़े फैलाने वाली वो टूटी पड़ी है, अब ज़रा वो लगाते हैं तार, फिर उसके बाद जो है ना कपड़े उपड़े चेंज करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये पड़ गई है तार, तो असल में काफ़ी सारी थी, इसी को दोबारा से यूज़ करते हैं, तार तो काफ़ी है। अब ये असल में ये बहुत ही पतली जो है ना ये है,
तार, तो इसकी वजह से जो है ना ये टूट गई है, तो इसको डबल लेयर जो है ना वो लगानी पड़ेगी। तो चलिए इसी तरह ये लगाते हैं। नमाज मैंने पढ़ ली है अभी, मेरा वैसे आज मेरा प्रोग्राम था बाहर जाने का, कटिंग शटिंग कराने का, बट कटिंग नहीं कराने के लिए मैं जा सका, बस सुस्ती काहली और के। खैर ये बस ये आज का ब्लॉग बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही मौसम जो है माशाल्लाह से प्यारा हो रहा है, और वो जो एक चिड़िया का जो बच्चा आ गया था ना, उसको बस ये है कि कल तो बिल्कुल ही उड़ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल जो है ना बैठा हुआ था और बिल्कुल उड़ ही नहीं पा रहा था। आज जो है ना सुबह ही उठते ही जो है ना, जैसे ही उसका डब्बा खोला, उसके ऊपर एक डब्बे के ऊपर मैंने चादर रख दी थी, जैसे ही उसकी बस से चादर हटाई फ़ौरन जो है ना उड़ के खिड़की के पास जो है ना आके बैठ गया। वो मैंने वीडियो में भी दिखाया, तो बस ये है कि उसको मतलब ये था कि जी मैं किस तरीके से जो है ना बाहर निकली। तो फिर उसको जो है ना मैंने बाहर ले जाके जो है ना ले गया, उसको बाइक पे बिठाया, बाइक के ऊपर छोड़ दिया था मैंने, फिर बाइक पे से उठ के जो है खुद ही उड़ के जो है ना वो जाके दीवार पे बैठ गया। तो मतलब जो भी उसका मसला था शुक्र है कि सॉल्व हो गया और वो चला गया। तो बस आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर जी ख़त्म, और उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग जो है पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए भी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, इस वक्त तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।